सियासत की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर गर्म हवा बहने लगी है। इस बार विपक्ष के निशाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी बंगला है। इसके सौंदर्यीकरण को लेकर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल एक घर में नहीं बल्कि एक शीश महल में रहते हैं। इस आम आदमी ने अपने घर में 90 लाख के पर्दे लगवाए हैं, 6 करोड़ के विलायती मार्बल लगवाए हैं जो वियतनाम से आए हैं, किचन बनाने में 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्च किया है, जो दरवाजे लगे हैं उनकी कीमत भी 11 करोड़ से ज़्यादा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार किया। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है और वो घर बनाया गया। तो उधर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर कई सवाल दागे कि 45 करोड़ रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकारी बंगला है उसका रिनोवेशन किया गया है। 45 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट फॉर द रिनोवेशन ऑफ द बंगलो ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल। इस 45 करोड़ रुपए को अगर हम देखें कि किस प्रकार से खर्च किया गया है, जो सिविल लाइन उनका सरकारी बंगलो है फ्लैग स्टाफ रोड में, आपको जान के आश्चर्य होगा। इसमें पर्दे की एक कहानी है, इसमें टाइल्स की एक कहानी है, इसमें मेटल फिटिंग्स की एक कहानी है, इसमें किचन की अपनी एक कहानी है। और ये सारे पर्दे, फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स, टाइल्स, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वी आर ऑफ द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी। इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर तंज कसा और कहा कि पीएम मोदी ने 8400 करोड़ का जहाज खरीदा, गुजरात सीएम ने 191 करोड़ का जहाज खरीदा, मध्य प्रदेश सीएम के निवास की रंगाई पुताई में 20 करोड़ खर्च हुए, पीएम मोदी ने एक इवेंट में एक घंटे में ही 10 करोड़ फूंक डाले। बता दें सीएम आवास 75 से 80 साल पहले 1942 में बनाया गया था, जो अब काफी पुराना हो गया था। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने ऑडिट के बाद इसके जीर्णोद्धार की सिफारिश की थी।